संगीत एक संस्कार है और मैं जिस कलाकार के साथ बैठा हूं वो इस संस्कार के मामले में बहुत अमीर है, बहुत धनी है, इसलिए क्योंकि वो पीढ़ियों से, कई कई सालों से, छठी पीढ़ी है वो ग्वालियर घराने की जो संगीत की दुनिया में है, शास्त्रीय संगीत की दुनिया में है। मैं बात कर रहा हूँ मीता पंडित जी की। मीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमारे इस वेबसाइट के लिए, हमें इंटरव्यू देने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो बहुत ही मैं कह सकता हूँ, आसान भी कह सकता हूँ और शायद मुश्किल भी, कि जब गुरु जो हैं वो घर में ही हो, यानी आपके पिताजी या आपके दादाजी जो जिनसे गुरु का रिश्ता हो, तो फ़र्क क्या हो जाता है बाहर के गुरु में और घर में रहने वाले गुरु में? देखिए, ऐसा है कि जब आपके घर में ही संगीत है तो, और अगर वो आपको स्टाइल पसंद आ रही है और आपका इंटरेस्ट है, तो जो बच्चा है वो अमूमन वो तो सीखेगा ही, वो तो ही विल पिक अप जो उसके न्यूएंसेस हैं, इंटरेस्ट दिखाएगा वो। तो उसको अपने गुरु को ढूंढने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत अहम बात कलाओं में है, वो है गुरु को मिलना और अच्छे गुरु के संसर्ग में आना, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीख रहे हैं, पर आप अच्छे गुरु से सीख रहे हैं। और जब मैं अच्छे कहती हूँ, का मेरा मतलब है कि इट इज़ समथिंग विच योर हार्ट एंड सोल वांट्स, और आप कनेक्ट कर पाते हैं, ये मेरा मतलब है। तो जो आपका ये सवाल था कि उसमें क्या फ़र्क है, मेन चीज़ तो आपके गुरु की खोज वहाँ पे नहीं करनी पड़ती है, एंड देन यू आर ऑलरेडी ऑन इट, यू नो, उस ट्रैक पे आप ऑलरेडी हैं। और अगर ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपके गुरु जो आपके जो घर में जो विद्याएं हैं या जो कलाकार हैं, आप उनसे नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, पर ये भी क्लैरिटी हो जाती है कि हम नहीं कर पा रहे हैं और हमें यहाँ जाना है, ये भी क्लैरिटी होना ज़रूरी है ना। देखिए, कहीं पर भी पहुँचने के लिए जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो आप ढूँढेंगे कैसे। तो मुझे लगता है कि बहुत शुरुआत से पता चल जाता है कि भाई वो अगर पेंटर है और मुझे उस रास्ते जाना है या नहीं जाना है, अगर ये डांसिंग में हूँ मैं तो मैं ओडिसी करना है या नहीं करना है, या मुझे भरतनाट्यम में जाना है या मुझे करना ही नहीं है, या मुझे कंटेम्प्रेरी करना है, है ना। मैं अगर हिंदुस्तानी कर रही हूँ तो फिर ग्वालियर मुझे पसंद आ रहा है, या मेरा किराने में मेरा जन्म हुआ है पर मुझे ये गायकी इट्स नॉट सूटिंग माई वॉइस, और मे बी मैं जब गाती हूँ तो मुझे नहीं आता मज़ा। यू सी, बिकॉज द फर्स्ट थिंग वट आई फील अबाउट आर्ट इज़ ये, इट हैज़ टू प्लीज़ यू। आप खुश होने चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, जब वो आपको खुशी देगा तभी आप उसका आनंद ले पाएंगे, तभी वो चीज़ आगे तक चलेगी। और ऑडियंस को अच्छा लगना वो तो एक बहुत बड़ी बात है, और वो तो बहुत बात की बात है। द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू बी प्राइमरली सैटिस्फाइड विथ वॉट यू आर प्रोड्यूसिंग। मीता, आप शास्त्रीय संगीत की कई अलग अलग जो शैलियाँ हैं उसमें आप परफॉर्मेंस देती हैं, उससे आप जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर मैं पूछूँ कि कौन सी ऐसी शैली है, कौन सी ऐसी गायकी है जो आपको सबसे ज़्यादा, आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब हो? यू नो, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, कभी कभी मैं भी ये सोचती हूँ, मुझे मुश्किल होता है, परंतु देखिए, हर एक, ये एक ऐसा सवाल है, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ये गुलाब है, ये चंपा है, ये चमेली है, ये मोगरा है, आप इसमें से, सबकी अपनी अपनी खुशबू है, सबके अपने अपने बहुत उनकी अपनी खूबसूरती उन चीज़ों में है। अब जैसे अगर मुझे एक भजन गाने में जो जो आनंद मिलता है, वो आनंद उसी भजन ही गाने में है, वो टप्पा गाने का एक अलग आनंद है, उसका एक अलग विगर है, उसकी एक अलग प्रस्तुति है, टप्पा गायकी का एक अपना अपना मज़ा है, ऑडियंस का वो उसमें दाद देना, हर 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 मुखड़े पे दाद देना, और वो हर 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 आवर्तन में वो जब आता है, इट्स अ चैलेंज टू सिंग दैट, यू नो। तो मुझे लगता है कि हर की एक अपनी खुशबू है, और एज एन आर्टिस्ट मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, बिकॉज ये सभी शैलियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं। मुझे ख्याल गायकी बेहद पसंद है, उसमें ख्याल गायकी में जो ग्वालियर के जो अलग अलग ख्याल हैं अलग अलग तालों में, उन सब के मैं आपको ये कहूँ कि एक राग में भी हम जब एक यमन, मान लीजिए मैंने 20वीं बार कहीं और परफॉर्म किया है,
तो उसमें 20वीं कॉम्पोजिशन भी आई है, तो उसका अपना मज़ा होता है क्योंकि वो मुखड़ा अलग है, उसकी उसका रंग ढंग अलग है, और जाहिर सी बात है उसकी उसके अनुसार जो गायकी होगी वो भी उसका अपना मज़ा आता है। उसी प्रकार से भजन हो गया, उसी प्रकार से टप्पा हो गया, उसी प्रकार से अष्टपदी आजकल मुझे गाने में बहुत आनंद मिलता है। अष्टपदी जो संस्कृत में हैं उसमें हम विलंबित भी गाते हैं और उसमें हम द्रुत भी गाते हैं। तराना मुझे बहुत अच्छा लगता है और गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं। फिल्मी गाने भी मुझे बहुत पसंद हैं। ठुमरी बहुत पसंद है और बंदिश की ठुमरी का अलग मज़ा है, और मुझे पॉप गाने भी पसंद हैं। मीता, एक आम जो अवधारणा है या जो आम परसेप्शन है वो लोग ये मानते हैं और जो काफ़ी हद तक सच भी है, अगर आप शास्त्रीय संगीत में पारंगत हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप फिल्मी गाने गा सकते हैं, आप गज़ल गा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक अगली पीढ़ी के तौर पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कभी आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मैं फिल्म म्यूज़िक में जाऊँ, मैं गज़लें गाऊँ या फिर उस क्राउड में जाऊँ जो MTV का क्राउड है? आप अपने संस्कारों से जुड़ी रहीं, आप शास्त्रीय संगीत में ज़्यादातर रहीं, तो ये कभी दिमाग में आया क्या कि आप पॉपुलर म्यूज़िक में भी जाएंगी? मे बी अभी मैं उस जोन में हूँ, पर मैं दूसरे जोन में आने से अपने आप को मैं कोई रूल आउट नहीं कर रही हूँ कि मैं नहीं इंटरेस्ट करेगा मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी एक इनर कॉलिंग होती है, एक इनर कॉलिंग होती है, और वो मैं अपने इनर कॉलिंग को हमेशा रिस्पेक्ट देती हूँ और मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट को देनी चाहिए। बिकॉज़ जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जब वो चीज़ आपको इंटरेस्ट करेगी, आपको आनंद देगी, तभी आप उसको दूसरों के लिए प्रस्तुत करते हैं। मैं ज़रूर करती हूँ तभी। मीता, आपके समकालीन जो कलाकार हैं, अगर उनके बारे में, मतलब मैं किसी को रेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके हिसाब से जो नई पीढ़ी है, वो जो शास्त्रीय संगीत की परंपरा है, जो बहुत रिच परंपरा है, बहुत धनी परंपरा है, बहुत मजबूत परंपरा है, उसको क्या सही दिशा में आगे ले जा रही है? बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने शिष्यों की बातें करती हूँ। मुझे लगता है कि जिस डिवोशन में उनको सीखना चाहिए, जिस सीरियसनेस में सीखना चाहिए, उसमें मुझे तो बहुत कमी लगती है। और मैं वाकई में इस बात को फील करती हूँ कि जब आप इतना 10 साल 15 साल लगा देते हैं किसी बच्चे को तैयार करने में और वो एक लेवल पे पहुँच जाता है, उसके बाद जब वो नहीं करता है ना उसको, तो एज अ गुरु आपको बहुत हर्ट करता है, क्योंकि यू नो दैट पोटेंशियल कितना है उसमें और आपने कितनी मेहनत की है उस पर। मीता, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ढेरों शुभकामनाएं आपके आने वाले इवेंट्स के लिए, आपके आने वाले, मुझे पता है आप अगले कुछ दिनों में आप देश के बाहर कई परफॉर्मेंस करने जा रही हैं, उन सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको दर्शकों का खूब सारा, श्रोताओं का खूब सारा प्यार मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। म्यूजिकल हेरिटेज में ये थी मीता पंडित, और अगली बार एक और कलाकार, एक और संगीतकार आपके सामने हमारे साथ होगा, इसी तरीके से अपनी बात कहने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए और शास्त्रीय संगीत से जुड़ी अपने दिल की तमाम जो यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, उनको शेयर करने के लिए, उनको बांटने के लिए। धन्यवाद।